नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं स्पीकिंग गर्ल्स चैनल। आज किसी और की कविता नहीं, आज मेरी लिखी हुई कविता की बात करते हैं। आशा है कि आप सबको पसंद आएगी। ये कविता लिखी थी जब जनवरी फरवरी में किसी दिन मैं जा रही थी, बस का इंतज़ार कर रही थी लंदन में, और थोड़ी थोड़ी, इस बार बहुत ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई लेकिन थोड़ी बर्फबारी हो रही थी और ठंड बहुत थी और शाम का वक्त था। ऐसा लग रहा था जैसे भरी दोपहरी शाम ढल रही है। ये कहती है, ये शाम ढलती जा रही है और इस पराए देश में, ये शाम ढलती जा रही है और इस पराए देश में बर्फबारी के बीच उस लाल सूरज को भरी दोपहरी ढलता देख मेरी सांसें जैसे रुकती जा रही हैं। ये कविता एक एहसास का परिचय करवा रही है जो मुझे उस दिन हो रहा था। लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ खो गए हैं, कहीं घर है कि नहीं, अकेले कहीं, पता नहीं। दोपहर में सूरज ढल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हालात ये थे उस वक्त कि परिंदे तो छोड़ो यहाँ तो मेरे आशना महीनों से पेड़ों के पत्ते तक नहीं देखे, सिर्फ गाड़ियों का गुल है चारों तरफ, सिर्फ गाड़ियों का गुल है चारों तरफ, बाकी सब सुनसान, सब चुपचाप है। बस का इंतजार करते हुए सड़क पर मैं हैरान हूँ ये सोच सोच कर, बस का इंतजार करते हुए सड़क पर मैं हैरान हूँ ये सोच सोच कर कि इस इंसानों की भीड़ में, नई तकदीर की होड़ में, इस इंसानों की भीड़ में, नई तकदीर की होड़ में, पैसों की दौड़ में, तकनीक के फंदे में, हमारा ठिकाना कहाँ है, हम कहाँ, मतलब इंसान कहाँ खोता जा रहा है। हम किसी को अपना नहीं कह सकते, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, सब दौड़ में लगे पड़े हैं, बस दौड़ते जा रहे हैं। और ये एहसास जो मैं लिख रही थी वो कोरोना के पहले का था। उसके बाद में ईश्वर ने स्वतः ही हमको इस दौड़ से थोड़ा रोक दिया, कुछ वक्त के लिए हमें बोला कि तुम बस अब एक बार इस दौड़ में से निकल कर अलग अलग कोने में जाकर खुद को पहचानो, खुद के बारे में सोचो, देखो कि तुम सही दिशा में दौड़ भी रहे हो कि नहीं, क्या यही दौड़ तुम्हारे जीवन का मकसद है कि क्या कहीं कुछ और। बहुत से लोगों का खुद से मिलन हुआ है, खुद के बारे में सोचा है, उन्होंने देखा है कि हम किधर जा रहे हैं, कितने मिनिमम चीज़ों में हम जो है अपना गुजारा कर पा रहे हैं, फिर फालतू में दौड़ का है कि संसाधनों के पीछे। संसाधन उतने ही अच्छे होते हैं जितने हमें ज़रूरत होती है, और बहुत से लोगों की ज़िंदगी इस वक्त में चेंज हुई है, इस दौर में चेंज हुई है जब उन्होंने रुक कर सोचना शुरू किया है। क्योंकि इंसान के पास ज्ञान होता है लेकिन वो वक्त नहीं निकालता है उस ज्ञान को मनन करके खुद के जीवन में अपनाने के लिए। तभी सड़क पर नजर पड़ती है तो लगता है इन स्याह सड़कों पर दौड़ती रंग बिरंगी गाड़ियों, श्वेत बर्फ की चद्दर के बीच न जाने किस संत जाऊं मैं, किस दिशा में जाऊं मैं, इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं जहां मुझे कोई अपना मिले, न जाने किस संत जाऊं मैं, कौन सी डगर पर चलूं,
यही सोचती हुई कि आज कहीं इन दीवारों के पीछे, क्योंकि सिर्फ दीवारें ही दीवारें नजर आ रही थी, कोई इंसान सड़क पर नहीं दिख रहा था, सिर्फ सोच रही थी कि क्या इन दीवारों के पीछे कहीं मेरा आशियाना भी होगा। ऐसे ही अपना आशियाना खोजते हुए जा रही थी, क्योंकि ये शरीर तो एक पिंजड़ा है, आशियाना पता नहीं कहाँ है, जहाँ लोग अपने हों वही आशियाना है शायद। जिंदगी का अंतिम मकसद क्या है? अंतिम मकसद के हिसाब से अगर हम जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे बिना फल की इच्छा के, लेकिन कर्म तो करना होगा, जब तक जिंदा हैं कुछ तो करते रहेंगे, तो वो कर्म किस दिशा में हो उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए, वरना तो यूं ही भरी दोपहर ही एक दिन शाम ढल जाएगी, कोई ठिकाना नहीं। धन्यवाद।